समस्या का सामना करना ही उसका समाधान होता है। जीवन में दो ही विकल्प मिलते हैं हमें, या तो भाग लो या भाग लो। यदि भागोगी तो भय और भयंकर बन के तुम्हारे सामने आएगा, यदि संघर्ष में भाग लोगी तो संकट भाग जाएगा। उचित कहा था महादेव ने, हर कर्म हमें कुछ सिखा के जाता है। और अब मैंने भी निर्णय लिया है, मैं भागूंगी नहीं, मैं भाग लूंगी। अपने अस्तित्व को, अपने कर्तव्य को मैं स्वीकारूंगी। फिर से वही सब दोहराया जाने वाला है महादेव। यदि इस बार महाकाली ने अपना नियंत्रण खो दिया तो कैसे वश में करेंगे आप उन्हें? आपका प्रश्न उचित है नारायण। मैंने पार्वती को वचन दिया है कि फिर से स्वयं पर उसके पांव नहीं पड़ने दूंगा। विचित्र है, आज ना पार्वती के शब्दों में भय है और ना ही पांव में थिरकन। क्योंकि आप स्त्री को समझते नहीं हैं शुंभ। उनकी ना में ही हां होती है। कदाचित वो आपको स्वीकारने को सज्ज है, उसका पीछे ना हटना आमंत्रण है कि हम आगे बढ़ें। नहीं दारुक, वो पीछे नहीं हट रही है क्योंकि उसे विश्वास है महाकाली आगे आएगी। निशुम, सावधान दारुक। काल की कोई दिशा नहीं होती तो इस काली की भी नहीं होगी। वो कभी भी कहीं से भी समक्ष आ सकती है। अपना चयन करो गौरी, अपना चयन चुनो महाकाली। समझ में नहीं आ रहा है ये काली कहां रह गई। वो प्रतीक्षा से नहीं आएगी भ्राता, वो तब आएगी जब इस पार्वती पर कोई संकट आएगा, तो मैं इस पर संकट लाता हूं ताकि महाकाली को आना पड़े। कैलाश स्वामिनी, बुला अपनी रक्षक महाकाली को, अन्यथा आज तेरा अंत निश्चित है। आंखें फाड़ कर क्या देख रही है? हाथ खोलकर आवाहन कर महाकाली का। ना मैं उससे डरता हूं ना तुझसे। बुला। Ah!
पर मैं, मोक्ष भी मैं। प्रकाश में, अंधकार भी मैं। मार्ग में, लक्ष्य भी मैं। मोह में, त्याग भी मैं। कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं। अंत भी मैं, आरंभ मैं। गौरी मैं। काली मैं, महाकाली मैं, स्वरूपा काली, स्वामी भद्रकाली, चंद्र मुद्र संहारी, रक्त बीज कुमारी, महाशक्तिशाली, केश मुक्त बलशाली, कंबल वाली नपाली, त्रिनेत्रा महाकाली। दैत्यराज हूं मैं आज भी, आगे बढ़ो महाकाली। और मेरी पत्नी के बीच के संबंध में बोलने वाली तुम बोलो दियो। नारी हूं मैं, नारी के मन में बसा साधु मैं। नारी ही तुम जैसे पुरुषों को अस्तित्व में लेकर आती है
और तुम जैसे पुरुष ही उसका अस्तित्व मलिन करते हैं। उसी ग्लानी से उपजा अस्त्र हूं मैं। नारी के प्रेम से खिलवाड़ करने वाले की रासों का खेल मुझे स्वीकार नहीं। नर को नाम अपने गर्भ में धारण कौन करती है? अपना घर छोड़ के नर का घर बसाने कौन जाती है? एक विचार शून्य का परिवार कौन बसाती है? कौन उसके वंश का बीज आगे बढ़ाती है? नारी है वो, माँ, बहन, बेटी, सखी, सब नारी है। और जो नारी का ना हुआ उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। प्राण ले लीजिए माँ, मैं वो नारी हूँ जो नारी के अपमान के लिए स्वयं उत्तरदायी हूँ। मैंने अपना बंधन चुना, मैंने अपने अस्तित्व को मलिन होने दिया, मैंने अपनी पहचान खो दी। ले लीजिए मेरे भी प्राण। नहीं दारुका, तुम्हें जीना होगा। अपमान से सम्मान की यात्रा के लिए तुम्हें जीना होगा। बंधन से स्वतंत्रता के लिए तुम्हें जीना होगा। अपने अस्तित्व की पहचान के लिए तुम्हें जीना होगा। तुम्हें जीना होगा ये संदेश देने के लिए कि जब जब जिस जिस काल में नारी का गर्भ भंग होगा तब तब महाकाली आएगी। निशुम चलो यहाँ से, दारुका का वरदान टूट चुका है। आज जियोगे तो कल लड़ोगे, चलो। तुम नहीं बचोगे निशुम। स्वाभिमान को छीनने का प्रयास किया, कहा है शंभ निशंभ? अब क्या होगा महादेव? महाकाली के भीतर की पत्नी को आप जागृत कर नहीं सकते क्योंकि आपने पार्वती को वचन दिया है। फिर कौन सा भाव उनकी क्रोध भावना को शांत करेगा? स्त्री का केवल एक ही रूप नहीं होता नारायण, पार्वती को उसके दूसरे रूप का अनुभव कराना होगा। बस एक यही मार्ग शेष है। महाकाल की पत्नी महाकाली मेरे चरणों की दासी होगी। अंधेरे वन में सिंह का खेत करके आदर नहीं मिलता निशुम। आदर उसे मिलता है जो हिंसक सिंह को अपना पालतू पशु बनाकर गोद में बिठाए। और ये महान कार्य आप करेंगे कैसे ज्येष्ठ? चतुराई से। ये देव स्वयं को बहुत चतुर समझते हैं। बस इन्हें इन्हीं की धूर्तता से उत्तर देना होगा। करना क्या चाहते हैं आप? देवों का प्रहार उन्हीं को लौटाना चाहता हूँ। हमें वरदान में भेद रखा। नारी हमें मार सकती है पर अब मैं उसे जागृत करूंगा जिसे ना कोई नर मार सके ना ही नारी।
ना महाकाल जिसका अंत कर सके, ना महाकाली। हा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